नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। मैं बात करूंगा बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ और गोविंदा के बारे में। जी हां, इन दोनों ही अभिनेताओं की मुसीबत बढ़ गई है और कोर्ट ने इन पर जुर्माना लगा दिया है। दरअसल मामला ये है कि आज से 7 साल पहले गोविंदा और जैकी श्रॉफ ने एक हर्बल ऑयल कंपनी, जो कि दर्द निवारण कंपनी थी, जो दर्द होते हैं शरीर में, घुटने वगैरह, उन सब के लिए कंपनी थी, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने, जमकर उसका प्रचार प्रसार किया था। उसके साथ ही उनका जब ब्रांड एम्बेसडर बने तो जो कस्टमर थे या जो लोग थे, इनकी बदौलत थी उस हर्बल ऑयल को खरीदने के लिए तत्पर हुए थे। लेकिन इनका ब्रांड एम्बेसडर बनना इनको ही कहीं दाव उल्टा पड़ गया और इसी के कारण बस इन पर जुर्माना लगा, क्योंकि एक कस्टमर ने इनके वहाँ प्रचार करने के बाद समाचार पत्र में 2012 में इस हर्बल ऑयल का प्रचार पड़ा और उसके बाद जाके उसने हर्बल ऑयल को खरीदा जिसकी कीमत 3600 रुपये थी और उस पर यह दावा किया गया था कि 15 दिन के अंदर दर्द से निवारण मिलेगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो कंपनी आपको रिफंड करेगी। तो ऐसे में जो कस्टमर था यानी जो ग्राहक था, उसने, आज उनका नाम अभिनव अग्रवाल है, ये ऑयल खरीदा, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला और उनको जिसकी बदौलत उन्होंने ये ऑयल लिया, कह लीजिए उस प्रचार की बदौलत जो समाचार पत्र में पढ़ा अपने पिताजी के लिए, तो अभिनव को उससे कोई फ़ायदा नहीं मिला और अभिनव ने साफ तौर पे कंपनी से रिफंड की मांग की थी। तो कंपनी ने उनको रिफंड नहीं दिया बल्कि उनको और परेशान करने लगे। इसके साथ ही उन्होंने 2012 के आसपास और उसके बाद जाकर केस दायर कर दिया और कंपनी के साथ साथ इन दोनों ही अभिनेता जो कि हर्बल ऑयल के ब्रांड एम्बेसडर थे, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की। अब ऐसे में इतने लंबे समय के बाद, 5 से 6 साल के अंतराल के बाद में कोर्ट, यानी उत्तर प्रदेश की जो मुजफ्फरनगर की कंज्यूमर कोर्ट है, उसने ये फैसला सुनाया और 20,000 रुपये के हिसाब से जैकी और गोविंदा पर जुर्माना लगाया, तो वहीं कंपनी पर भी जुर्माना दायर किया। इतने लंबे समय का जो केस चला था उसको आखिरकार अभिनव अग्रवाल ने जीत लिया है और ये दो बड़े सुपरस्टार जो बॉलीवुड के हैं उन पर जुर्माना कोर्ट ने ठोंक दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने ये कहा है कि जो इतने साल तक कानूनी खर्चा है उसके हिसाब से प्रति वर्ष प्रति ब्याज दर के तहत अभिनव अग्रवाल को कंपनी 3600 रुपये का हर्जाना यानी जुर्माना देगी और उनके जो भी कीमत है, जो रिफंड था, वो भी वापस करेगी। तो ये कोई पहला मौका नहीं है जब बॉलीवुड के सुपरस्टार किसी कंपनी का प्रचार प्रसार करने के चक्कर में फंसे हैं। इससे पहले और कई ऐसे नाम थे, अनिल कपूर जैसे दिग्गज कलाकार, और कह लीजिए उनकी भी मुसीबतें बड़ी हैं जब वो किसी और कंपनी का प्रचार प्रसार करने गए हैं। शाहरुख खान भी उनमें शामिल रहे हैं। हाल ही में एक कंपनी को लेकर उन पर काफ़ी विवाद गरमाया भी था जिसकी बदौलत उन पर काफ़ी जुर्माने किए, ऐसे कह लीजिए कोर्ट ने एक अपील तरीके से कहें तो दूसरे ओर के आधार पर जुर्माना उन पर ठोका था। तो ऐसे में अभिनेता जो गोविंदा हैं और जैकी श्रॉफ, उन्होंने ये जुर्माना उनको भरना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट का आदेश है और जिस तरीके से उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया था आज से 5 से 6 साल पहले, उस हिसाब से देखा जाए तो उनकी मुसीबतें अब बड़ी हैं। खैर, बाकी मनोरंजन की जो खबरें आती रहेंगी वो मैं आपको देता रहूँगा। देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।